प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति भवन से विदा होने जा रहे हैं तो उनके बारे में एक दिलचस्प बात सामने आई है। प्रणब मुखर्जी का स्मोकिंग पाइप के प्रति खास लगाव था, जिस कारण उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान उनसे मिलने वाले देश विदेश के मेहमानों ने उन्हें 500 से ज्यादा स्मोकिंग पाइप गिफ्ट की। प्रणब मुखर्जी ने निर्णय लिया है कि वो इन पाइप को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे और उन्होंने इन्हें राष्ट्रपति संग्रहालय को गिफ्ट कर दिया है। ये जानकारी प्रणब मुखर्जी के पुराने मित्र और पत्रकार जयंत घोषाल ने दी है। जयंत घोषाल प्रणब मुखर्जी को 1985 से जानते हैं। उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी ने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन उन्हें स्मोकिंग पाइप बहुत पसंद थी। बाद में स्वास्थ्य कारणों से प्रणब मुखर्जी को स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी प्रणब दा का पाइप से लगाव कम नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने स्मोक तो नहीं किया, लेकिन पाइप को अपने मुंह से जरूर लगाते थे। प्रणब मुखर्जी को जानने वाले उनके स्मोकिंग पाइप से लगाव के बारे में जानते थे, इसलिए जो भी उनसे मिलने जाता था उन्हें गिफ्ट में स्मोकिंग पाइप ही देता था। आपको बता दें कि अब प्रणब मुखर्जी का नया ठिकाना राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित 10 राजाजी मार्ग होगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इस बंगले में रह चुके हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।